अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं जल्दी से बूम क्रैश के एनालिसिस, लेकिन उससे पहले वीडियो को आप लोगों ने शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना है। स्टार्ट करते हैं बूम 1000 से एनालिसिस। अगर आप लोग जैसे ये देख रहे हैं कि टाइम फ्रेम जो है ना M30 ओपन है और जो है ना वो मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रही थी, उसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, अब नीचे आ रही है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी स्टोरी जो है ना वो बताऊं कि बूम 1000 जो है ना वो इस टाइम आप लोगों का काफी ज्यादा टॉप पे गया हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसके अंदर जो है ना वो बायर्स का वॉल्यूम है। ठीक है, जब भी मार्केट एक ट्रेंड के अंदर होती है ना, तो उसका ट्रेंड जो है ना वो थोड़ा जबरदस्त हो, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वाला ट्रेंड हो, उसमें ट्रेड कम मिलती है। ठीक है, यानी कि मार्केट एक या दो या दिन में सिर्फ 3 दफा पे एक ऐसे पॉइंट पे आती है जो आप लोगों को हेल्प आउट कर सके। ठीक है, जैसे मैं अगर अभी की बात करूं तो मार्केट ने पहले एक हाई लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर उसको ब्रेक किया, ये आप लोगों की रेजिस्टेंस अब क्या हो गई है, सपोर्ट हो गई है। तो अभी हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट से जो है ना वो कैच करेंगे। ठीक है, अदरवाइज जो है ना वो कोई भी पॉइंट आपके लिए सूटेबल नहीं है, ना कोई ट्रेंड लाइन अच्छी बन रही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि स्विंग इतने जो है ना वो जबरदस्त नहीं है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मार्केट बगैर स्विंग के जो है ना वो जाई जा रही है। जिस तरह बाज दफा मार्केट बगैर स्विंग के नीचे जाती है ना बूम 1000 की, सेम सिचुएशन यही है, वो तब सेलर्स का वॉल्यूम ज्यादा होता है, आज बायर्स का वॉल्यूम जो है ना वो ज्यादा है। तो ये पॉइंट जो है ना वो आप लोगों के पास 944 से लेके 870, ये तकरीबन आप लोगों का कोई जो है ना वो 74 पिप का एरिया जो है ना वो बन रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये नहीं है कि भाई ये H4 का एरिया, इसलिए जो है ना ये थोड़ा सा बड़ा जो है ना वो आप लोगों का जोन जो है ना वो एक बन गया है। ठीक है, जब आप लोगों ने इसको ट्रेड करना है तो जब मार्केट इस वाली रेंज के बीच में आएगी, ठीक है, यहाँ पे आके मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आके कोई ना कोई स्ट्रक्चर जो है ना वो बनाएगी, तो हम लोग जो है ना वो फिर इसको ट्रेड जो है ना वो करेंगे। एरिया आप लोगों ने यहाँ से मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बता दिए, मार्क कर लेना है। छोटे टाइम फ्रेम में जब मार्केट वहां पे आके डाइवर्जेंस बनाएगी या कोई भी बाय का पैटर्न बनाएगी, तो हम लोग उसको ट्रेड जो है ना वो फिर करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं क्रैश चोजन की बात करूँ ना, कल का दिन क्रैश चोजन ने इस जगह पे जो है ना वो गुजारा। ठीक है, और ये कोई खास पॉइंट जो है ना वो इतना था नहीं कि मार्केट यहाँ पे अपना सारा दिन गुजारती, लेकिन फिर भी मार्केट जो है ना वो, मैंने आप लोगों को बताया है कि ये देखिए मेरा D1 के अंदर मार्केट यहाँ से जो है ना वो बाय निकलने के चक्करों में है। ठीक है, चांसेस बाय के ज्यादा है, तो इसलिए मार्केट ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर जो है ना वो ले रही है, फिर जो है ना वो मार्केट यहाँ से पंप करेगी। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसकी सिचुएशन की बात करूँ ना, तो यहाँ पे मुझे ऐसा कोई भी अच्छा सेटअप नहीं नजर आया इस एरिया में। ठीक है, हाँ ये पॉइंट जो है ना वो आप लोगों का अच्छा है, ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग जो है ना वो रेजिस्टेंस रही है। ये पॉइंट आप लोगों का बनता है 520 से 529। ठीक है, 9 पिप का एरिया है, स्पाइक के लिए भी आप लोग यूज करेंगे तो भी बड़ा परफेक्ट जो है ना वो रहेगा, पर उसके बाद ये वाला एरिया जो है ना ये भी अभी दूर है। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग ये बिल्कुल इस पास वाले एरिया की बात करें ना, तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया जो है ना वो यही वाला है, आप लोगों ने जेहन के अंदर रखना है। लेकिन जो ये चीज है ना ये वाली, ये भी ट्रेड हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको सिर्फ एज अ स्पाइक के लिए यूज करोगे तो 474, 482, ये आप लोगों का 8 पिप का एरिया और मैक्सिमम 4, 5, 6, 10 पिप तक का सेल जो है ना वो आप लोगों का बन जाएगा। अगर आप लोग इसको इस गर्ज से ट्रेड करोगे ना, तो आप लोगों को ना ज्यादा लॉस होगा अगर मार्केट यहाँ से स्पाइक नहीं भी देती, अगर स्पाइक देती है तो आप लोगों को टारगेट आराम से अचीव हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है ना, इसके दो फायदे हैं। एक तो ये कि मार्केट अगर इस तरह करती है, ठीक है, नीचे आएगी, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट लंबा मूव दे दे, और वो तभी पॉसिबल होगा जब मार्केट यहाँ से एक टीपी अपनी स्टील तक करेगी, फिर जब उसको ब्रेक करेगी तो आप लोगों की अगली ट्रेड जो है ना वो नेक्स्ट टीपी जो है ना वो इस ट्रेंड लाइन से आगे जो है ना वो बनेगी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये भी पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ तक जाए ना, आप लोगों की यहीं से स्टील को ब्रेक कर दे, तो देन हमारी फिर भी यहाँ से ट्रेड जो है ना वो बन जाएगी। ठीक है, और उसकी टीपी आप लोगों ने अपने टारगेट के अकॉर्डिंग रखनी है, अगर कोई ज्यादा होल्ड करना चाहेगा तो इस वाले लो से ज्यादा होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा जी अगर मैं बात करूँ ना क्रैश 500 की, इसमें भी कुछ सेम सिचुएशन बन रही है कि मार्केट ने ये वाली ट्रेंड लाइन है मैंने कल आप लोगों को बताई थी, मार्केट ने इसको जो है ना वो ब्रेक किया है। ठीक है, ऊपर को अब मार्केट जो है ना वो यहाँ पे क्या कर रही है, आप लोगों का जो है ना वो नीचे एक चैनल जो है ना वो बना रही है, ये वाला वेज जो है ना वो बन रहा है ये। ठीक है, अभी फिलहाल इसके चांसेस जो है ना वो ज्यादा जो है ना वो बाय के ही लग रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊं ना,
तो ये नीचे एक सपोर्ट जो है ना वो इसके आ गई है ये वाली। जब तक मार्केट 638 से नीचे है, 4 की क्लोजिंग नहीं ना देती, तब तक हम लोग जो है ना वो इसको सेल कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को पता है स्पोर्ट से मार्केट हमेशा बाय निकलती है, तो यहां से भी ये बाय जा सकती है, और साथ में ये आप लोगों का जो है ना वो वेज भी बन रहा है, ठीक है? तो अगर मार्केट ये स्पोर्ट ब्रेक करती है 1 बजे वाली, जो ये देखिए 11:41 हो गया ना, तो अगर मार्केट 1 बजे वाली कैंडल में या 5 बजे वाली जो क्लोजिंग होती है छोड़ दी, उसमें इससे नीचे मूव देती है, तो इसके रिटेस्ट के ऊपर फिर आप लोग यहाँ से इसको सेल करोगे इस वाली टीएल तक, ठीक है? अगर मार्केट ये नहीं करती है, यहाँ से बाय निकली, तो फिर आप लोग सिंपली इसका वेट करेंगे, ठीक है? एक तो ये एरिया है जो कल जहां से मार्केट नीचे आई है ये वाला, इसको किस लिए, इसको हम लोग एज अ स्पाइक जो है ना वो ट्रेड करेंगे। ये आप लोगों का 706 से लेके 716, 706 से लेके 716 तक ये आप लोगों का एक अच्छा एरिया जो है ना वो बनेगा स्पाइक के लिए, ठीक है? जब भी आप लोगों का कोई माइनर एरिया होता है ना, उसको स्पाइक के लिए कैच किया कि 10 पिप का सोन होता है, 5 से 6 7 8 पिप मैक्सिमम जो है ना वो अपना एसएल रख के उसको ट्रेड कर लिया करें, ठीक है? अदरवाइज जो है ना वो अगर हम देखें तो ये जो इसका एरिया ना, ये आप लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट भी था, और स्ट्रॉन्ग इस टाइम आप लोगों की जो है ना वो रेजिस्टेंस वो भी है, ठीक है? तो ये वाला एरिया जो है ना, इसका अगर मैं पॉइंट आप लोगों को बताऊं, तो ये बनेगा 741, यानी कि 728 से लेके 741 तक जो है ना ये वाला पॉइंट आप लोगों के पास बनेगा, लेकिन उससे पहले इसका फैसला होना जो है ना वो बहुत जरूरी है, ठीक है? अच्छा जी, अगर मैं बात करूं ना इसकी MOVE 500 की, एक तो इसकी ट्रेड मैंने आप लोगों को ये वाली कल ही ग्रुप में ही दे दी थी, रात ही मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है? अब देखिए, बाज ऑफ ऐसे होता है जो आप लोगों का मेजर पॉइंट होता है ना, अगर मार्केट ने उसको ब्रेक भी करना हो ना, तो ब्रेक करने से पहले पहले मार्केट वहां पे कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो है ना वो जरूर दिखाती है। जैसे अगर देखा जाए तो पहले ये एक स्पाइक लगा था 90 से 07 17 पिप का, ठीक है? उसके बाद फिर मार्केट ने इसी जोन से 95 से 16 20 पिप का ये जो है ना वो स्पाइक दी है, ठीक है? तो जब भी आप लोग हमेशा मेजर पेयर से ट्रेड करते हो ना, मेजर जोन से या मेजर आप स्पोर्ट से या मेजर रेजिस्टेंस से, उसका फायदा ये होता है कि मार्केट अगर उसको ब्रेक भी कर देना, तो आप लोगों को वहां से मार्केट एक इतनी मूव जरूर दे देती है कि आप अपना इंट्राडे टारगेट पूरा कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, अगर ये इसकी अभी रेंज, ये जो नीचे सपोर्ट है ना, अगर ये ब्रेक हो जाती है, फिर ये वाला जो एरिया ना, ये वाला, इसके अंदर कोई भी पंगा नहीं लेगा, हम आज के दिन के लिए इसको सिंपली छोड़ देंगे। हम लोग इसका वेट करेंगे कि कब मार्केट जो है ना वो वापस जो है ना वो इस वाले एरिया तक आती है, ये वाला, ठीक है? ये 327 296, फिर हम लोग यहाँ से इसको देखेंगे, ये वाले ट्रेंड लाइन जो है ना ये भी आप लोगों की बन रही है, ठीक है? उससे पहले अगर देखा जाए और ऐसा चाप लोगों का, इसके बीच में जो है ना वो कोई भी एरिया नहीं बन रहा है, सिंपली मार्केट को यहाँ से उठना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, तो इसके बीच में हम लोग जब तक मार्केट को नया सेटअप नहीं ना जनरेट करती इसके बीच में, तब तक हम लोग जो है ना वो यहाँ पे इसको कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है? कोई क्वेश्चन होता है आप लोगों का कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछिए।